यस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों में क्या डिफरेंट है। तो सिंपल है फ्रेंड कि ये दोनों ही क्या है, एक प्रलेख, मतलब दोनों कागज के टुकड़े हैं जिसमें अलग अलग बातें लिखी जाती है। पार्षद सीमा नियम में क्या लिखा जाता है, कोई भी एक कंपनी होती है, ठीक है, तो उस कंपनी का क्या उद्देश्य है, मतलब उसे क्यों स्थापित की जा रही है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसका स्थान क्या होगा, इन सब बातों को जिस प्रपत्र पर हम लिख देते हैं वो हो जाता है पार्षद सीमा नियम। अब हमने इस पार्षद सीमा नियम में क्या लिखा, कंपनी का उद्देश्य, उसके अधिकार, उसके नाम, स्थान, ये सारी बातें लिखी। अब बात आती है पार्षद अंतर नियम की। तो पार्षद अंतर नियम में क्या होता है कि पार्षद सीमा नियम में हमने कंपनी की स्थापना जिस उद्देश्य से की है, ठीक है, उस उद्देश्य को लिखा, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो नियम और उपनियम बनाते हैं वो लिखा जाता है अंतर नियम में। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, कंपनी के उद्देश्य और अधिकारों के बारे में बताता है, और पार्षद अंतर नियम कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके, मतलब उसके नियम और उपनियम बताता है। क्लियर हो गया इनका मीनिंग। अब देखो डिफरेंस, जिसमें इसमें पहला लिखा है विषय सामग्री। विषय सामग्री से हम दोनों में डिफरेंट देखते हैं। पहला बताया है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्यों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। परिभाषित का मतलब होता है बताना। तो क्या है पार्षद सीमा नियम, कंपनी कोई भी, जैसे एक्स वाई जेड या एबीसी कोई भी कंपनी है, तो वह किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है और उसके क्या अधिकार है, है ना। हर एक के हमको अधिकार मिलते हैं, कुछ अधिकार हमारे होते हैं तो कुछ गवर्नमेंट्स हमको देती है, तो उन सब बातों को लिखा जाता है। और पार्षद अंतर नियम क्या है, पार्षद सीमा नियम में बनाए गए उद्देश्यों तथा अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। आ गया ना समझ में कि पार्षद सीमा नियम में जो उद्देश्य और जो अधिकार थे, तो उसके आधार पर जब हम कार्य की शुरुआत करते हैं और उस शुरुआत के लिए जो नियम और उपनियम बनाते हैं और उन्हें जिस प्रपत्र पर लिखते हैं उसे पार्षद अंतर नियम कहते हैं। नियम आपको मालूम है कि हर एक काम के कोई ना कोई रूल्स फिक्स होते हैं, और उपनियम का मतलब होता है उन कामों को और भी अच्छे से करने के लिए हमारे द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो उपनियम हो गए। नियम के भी नियम, उपनियम, जैसे आप स्टडी करते हो तो आपको टीचर गाइड करता है तो उस अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो, और कुछ आप अपने तरीके से भी स्टडी करते हो, कुछ नियम आप अपने भी बनाते हो, तो वो हो जाता है उपनियम। सेकंड देखो इसमें महत्व, अब पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां लिखा गया है कि पार्षद सीमा नियम जो है वो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक कंपनी को इसे बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जब ये बनाया जाएगा तभी तो इसकी स्थिति के बारे में हमें पता चलेगा कि हाँ एक्स वाई जेड की कोई कंपनी है, वो सालाना इतना पैसा कमाती है, तो ऐसे इन्वेस्टर क्या होंगे, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्षद सीमा नियम क्या है, ये बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी के नाम को लेकर बात लिखी जाती है, कंपनी के स्थान को लेकर बात लिखी जाती है, तो कभी इनको लेकर किसी प्रकार का मतभेद ना हो कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नाम रख लेगी तो फिर मतभेद की स्थिति आती है। तो जब भी कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो उसके नाम, काम, स्थान सभी को लेके एक बातें निर्धारित कर ली जाती है, तो जिस प्रपत्र पर बातें निर्धारित की जाती है उसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो क्लियर कि यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसे प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य होता है। फिर देखो पार्षद अंतर नियम, यह कंपनी का सहायक प्रलेख है, इसके अभाव में सारणी अ के नियम लागू होते हैं। जैसे आपने साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा था कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या थे, सेम ऐसा ही है कि पार्षद अंतर नियम क्या है, काम को करने के नियम और उपनियम बनाने वाला एक प्रलेख है। इसे बनाना अनिवार्य नहीं है, आप बनाते हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं बनाते हो तो इसके बजाय सारणी अ में जो नियम दिए गए हैं उस नियम के आधार पर आपको अपनी कंपनी को संचालित करना होता है, ठीक है। अब देखो परिवर्तन,
किसमें आप चेंजेस कर सकते हो और किसमें नहीं। तो सीमा नियम में, पार्श्व सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन है। कहने का मतलब है परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करना कैसा है, कठिन है, क्योंकि हम इसमें हमारे उद्देश्यों का, लक्ष्यों का निर्धारण कर देते हैं, हमारे अधिकार हमें मिल जाते हैं, हमारे काम का स्थान सारा निर्धारित हो जाता है। ये सारी बातें निर्धारित हो जाने के बाद हमारे काम की शुरुआत भी हो जाती है। फिर हम सडनली क्या हमारे उद्देश्यों को चेंज कर सकते हैं क्या? अगर चेंज करेंगे तो हमारे पूरे काम की रूपरेखा ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही बोला गया है कि पार्श्व सीमा नियम की प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग होती है, ये कानूनी रूपरेखाओं के अंदर तैयार किया जाता है और बहुत सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज पूरी करना होती है, इसलिए इसमें चेंजेस करना कठिन होता है। जबकि पार्षद अंतरनियम में विशेष प्रस्ताव के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अब पार्षद अंतरनियम में क्या है, काम को करने के तरीके हैं, नियम और उपनियम है, तो हम किसी भी तरीके को बदल सकते हैं एक प्रस्ताव पारित करके कि हम काम इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अब हम काम इस तरीके से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला देखो इसमें क्या लिखा है, रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी। सुपुर्दगी का मतलब होता है कोई चीज को देना। मतलब हमने पार्षद सीमा नियम का जो प्रलेख, जो कागज का एक टुकड़ा तैयार किया है हमारे सभी काम को लेकर, तो वह हमें हमारे रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब होता है हम जिस भी स्टेट में है, जिस भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में, तो हमारे वहाँ का जो कार्यालय है, वहाँ के रजिस्ट्रार मतलब वहाँ जो व्यक्ति है उससे वो प्रपत्र देना होता है। कब? समामेलन से पूर्व। अब समामेलन का मतलब होता है पंजीयन, कंपनी का पंजीयन न हो उसके पहले ही कंपनी से रिलेटेड सारी बातें पार्षद सीमा नियम में लिखकर हमारे राज्य के रजिस्ट्रार को हमें जमा कराना होता है। एंड पार्षद अंतरनियम जो है उसे रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि यह तो हम हमारे काम को अच्छे से करने के लिए तैयार करते हैं, तो ये हमारे पास रहता है, हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि काम हम इस तरीके से करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कि पार्षद सीमा नियम जो होता है उसका एक निश्चित प्रारूप होता है और निश्चित प्रारूप में उसे बनाया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें जो जो बातें लिखी जाती है वो सारी बातें हमें फील करना होती है, हम हमारे अकॉर्डिंग उस प्रोफार्मा को नहीं बनाते हैं। जब भी कंपनी की स्थापना करते हैं तो हमें उसका पंजीयन कराना होता है, फिर हमारे रजिस्ट्रार से हम जो फॉर्म लेके आते हैं उस फॉर्म में जो बातें लिखी होती है वो सारी बातें हमें फील करना होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो यही बोला गया है कि पार्षद सीमा नियम जो है वो उसका एक प्रोफार्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी बातें लिखनी होती है, जबकि अंतरनियम का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। अब अपने काम करने का कोई फिक्स तरीका तो नहीं, अपन अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अब देखो ज्ञान, कंपनी से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को पार्षद सीमा नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं तो उन सभी को कंपनी के एम मतलब उसके लक्ष्य के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि यह कंपनी किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या अधिकार दिए गए हैं और उसके अनुसार हमें उसमें सारे काम करने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को पार्षद सीमा नियम का ज्ञान होना चाहिए और फिर उस आधार पर काम करना चाहिए। जबकि पार्षद अंतरनियम में कंपनी से संबंधित व्यक्तियों को अंतरनियमों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तो कंपनी का जो ऑनर है वो डिसाइड करता है कि काम कैसे करना कैसे नहीं करना, तो बस वो उनको बताता है और वो काम को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें संबंध मतलब रिलेशन, कि यह कंपनी का बाहरी लोगों से संबंध स्थापित करता है। पार्षद सीमा नियम जो है उसकी जानकारी बाहरी लोगों को भी होती है, मतलब जब कंपनी कुछ भी काम करती है तो अपनी वार्षिक स्थिति को प्रदर्शित करती है, तो इसका मेन पर्पस ही क्या है, अधिक से अधिक इन्वेस्टर बढ़ाना, ताकि हमारी कंपनी को बड़े पैमाने पर क्या हो, मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। और पार्षद अंतरनियम क्या है, यह कंपनी के अंशधारियों एवं अधिकारियों के मध्य मतलब बीच में संबंध स्थापित करती है। नियम और उपनियम है तो दोनों काम अच्छे से करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हमने पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम के बारे में जाना। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।